सो गुड मॉर्निंग गाइस, एंड आज है सेकेंड डे कोलकाता में, एंड आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से नहीं, कोलकाता से ही निकल रहे हैं। जहाँ हम लोगों ने रूम लिया था वहाँ से निकल के अभी यहाँ से चेकआउट अभी कर लेते हैं, कोलकाता घूमेंगे। उसके बाद रात की ट्रेन है हमारी, फिर ट्रेन लेके डायरेक्ट आ गए। चलिए चलते हैं यहाँ पे। आज से लास्ट 3:30 से 1 बजे ठीक है। ये है जस्ट सियालदा स्टेशन, बगल में ही है वो जो फ्लैग दिख रहा है वो सियालदा स्टेशन है। उसके बगल में ये होटल है, वही सब लोग देख लो। तब निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेनेट प्लेनेट बस स्टैंड से, फिर जाएंगे हम लोग प्रिंसेप घाट की तरफ, क्योंकि रात में तो प्रिंसेप घाट जा नहीं पाए। तो हम लोग आ गए हैं अभी प्रिंसेप घाट, अभी आगे जाते हैं आगे। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्री वेडिंग शूट चल रहा है, आगे ब्रिज है वहाँ का। रात में कुछ ऐसा दिखता है। प्रिंसेप घाट में स्टेशन भी है, ये भी है राइट साइड में, देख रहे हैं आप लोग। ट्रेन अभी खड़ी है लोकल ट्रेन, एंड आगे जाने के बाद ये ब्रिज का व्यू आता है, प्रॉपर दिखता है। रुकना है कि पार हो जाना? पार होना है। अगर रुकेगा तो फिर तो रुके ले, और कितना रुकेगा। ये है प्रिंसेप घाट, इधर साइड है। यहाँ से जल्दी आता है, हम लोग आगे चले गए थे, फिर तो वापस आए क्योंकि हमें रील्स बनाना था। चलिए फिर से वापस चलते हैं, क्योंकि दीप उधर वेट कर रहे हैं हम वीडियो बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए आ गए। ये है, ये जो अभी आए हैं वो घाट नंबर 2, एंड यहीं पे बोट्स रहती हैं। व्यू अच्छा है क्योंकि बोट्स लगी हुई है, पीछे मस्त ब्रिज दिख रहा है, एंड यहाँ पे बोट्स लगी हुई है। ये लोग बोट में ही रहते हैं, ये लोग खाना वाना सब कुछ ये लोग बोट में ही बनाते हैं, खाते हैं, एंड साथ साथ बोट के ऊपर सोलर पैनल भी लगा हुआ है, तो उसी से इन लोग का चलता है सब कुछ। और ये ऊपर से इसका व्यू, फुल व्यू। बहुत सही लग रहा है भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं प्रिंसेप घाट से, एंड अब हम लोग जा रहे हैं बाबू घाट, वो जो कि यहाँ से बस 1 किलोमीटर ही दूर है। यहीं रास्ता में सीधा चलते जाएंगे तो बाबू घाट भी आ जाएगा, वहाँ पे देखते हैं कैसा है। प्रिंसेप घाट तो मैं पहले आया था, बट बाबू घाट नहीं गए। ये पूरा रिवर साइड दिख रहा है। अभी हम आगे बढ़ते बढ़ते इधर आ गए थे, एंड अभी भी बाबू घाट 500 मीटर दूर है शायद, तो हम लोग जाएंगे कुछ पता नहीं। ये क्या है तो मुझे नहीं पता, लेकिन है सही बल है। और अभी हम लोग जा रहे थे एंड बाबू घाट जा रहे थे, एंड बीच में ये एक घाट है,
यहाँ से गंगा आरती होती है और बाबूघाट यहाँ से अभी भी 400 मीटर दूर है। ये है लोकल ट्रेन, यहाँ पे कुछ पुराने बोर्ड भी हैं। ये मछली पकड़ रहे हैं। तो इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आ जाएगा बाबूघाट। ये ब्रिज भी अच्छा दिख रहा है, पबजी का ब्रिज जैसा दिख रहा है। ये तो नहीं पता, आई थिंक तो बाबू खा के लिखा हुआ होगा। अरे यार सीधा भी सेम ही है, बैठने का बना हुआ है। आई थिंक टेजर फेरी भी आपको भी पार नहीं आएगी। अच्छा वहाँ ले जाएगा उठा दे वहाँ ले। यहाँ का भी टोकन होता है भाई, मेट्रो जैसा सीन है। उस साइड जाना था लेकिन बंद कर दिया। यहाँ से ट्रेन लेके हम लोग जाएंगे आगे। ट्रेन जो है हमारा यहाँ से अभी शोभा बाज़ार लेके जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ से पैदल भूतनाथ। देखते ट्रेन है भी कि नहीं, पूछना होगा। फाइनली घूम फिर के हमें बस नहीं बैठना क्योंकि ट्रेन आने में अभी 20 मिनट लेट था। तो बोले भाई 20 मिनट वेट करने से अच्छा हम बस में बैठेंगे तो पहुँच जाएंगे 20 मिनट में। तो अभी हम लोग भूतनाथ की तरफ जा ही रहे थे बट रास्ते में देखा हमने कि फ्लावर मार्केट भी रास्ता नहीं है, तो हम लोग वापस से फ्लावर मार्केट आ गए क्योंकि उस दिन कल सुबह जब आए थे तो बारिश आ रही थी जिसके कारण हम लोग इधर उधर घूम नहीं पाए थे ज़्यादा। तो हम लोग वापस आ गए क्योंकि रील्स वील्स भी बनाना था। चलिए एक बार देखते हैं हम लोग अभी उधर से आए थे। इतना फ्लावर है, इतना तरह का फ्लावर है, तो हम लोग देखे भी नहीं है अब तक इतने तरह का फ्लावर है। ये बहुत बड़ा है, हम लोग जब सुबह आए थे तब तो थोड़ा सा नहीं चले गया था हमें, बट अभी जब पूरा है तब देखे कि बहुत बड़ा है। সব রানাঘাটে কারবার করছে বেশি আছে দাম করবো।
अच्छे थे बहुत तो अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं कि कहाँ से बस मिलेगा एंड आधा घंटा हो गया पैदल चलते चलते हालत ख़राब और अभी हम लोग जा रहे हैं भूतनाथ फ्लावर मार्केट से हम लोग निकल गए तो अभी हम लोग आ गए थे भूतनाथ मंदिर एंड यहाँ का सीन कुछ ऐसा है और ये लड़का मिल गया था हम लोग को लोकेशन बता रहा है कहाँ पे जाना है अभी चलो फिर हम लोग के साथ कुमार टोली नहीं नहीं जाएंगे तो भूतनाथ मंदिर जो है वो जो राइट साइड में वॉल दिख रहा है उसके उस साइड है एंड भूतनाथ मंदिर वैसा कुछ नहीं है बट उसके पीछे बस ये बैठने के लिए छोटा सा जगह बना हुआ है एंड यहाँ से जो दिखता है रिवर एंड वो ब्रिज हावड़ा ब्रिज भी दिखता है यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं आगे चल 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 हाय अभी हम लोग जा रहे हैं आगे कुमार टोली वहाँ पे है कि वहाँ पे दुर्गा पूजा का जितना भी मूर्ति होता है यहाँ पे रहता है वो वहाँ पे बनता है तो अभी बन ही रहेगा बन रहा होगा इसीलिए वहाँ पे जा रहे हैं फोटो शूट क्लिक करेंगे रील्स बनाएंगे एंड भूतनाथ मंदिर है ये सारा भूतनाथ यहाँ पे हर जगह पानी आते रहता है तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुमार टोली जो कि यहाँ से तो था 1.5 किलोमीटर और हम लोग बहुत थक गए थे इसीलिए हम लोग ऑटो लेने का सोचे फिर हम लोग ऑटो से जा रहे हैं कुमार टोली एंड वहाँ पे बस कुछ वीडियोस एंड रील्स बनाएंगे एंड उसके बाद फिर फोटो क्लिक करेंगे एंड फिर डायरेक्ट वापस लेने कुमार टोली बट हम लोग ही बस नहीं थे जो फोटोग्राफर यहाँ फोटो क्लिक करने आए भाई यहाँ तो पहले ही से लोग भरे हुए हैं सबके हाथ में कैमरा आईफोन क्या क्या Okay, come on.
एंड इस जगह से मूर्ति स्टार्ट हो जाती है। अंदर घुसने नहीं देते हैं, तो पहले देखे थे क्योंकि पहले कम फोटोग्राफर्स आ सकते हैं एंड अभी इतने सारे भाई के कैमरा नहीं। अभी बारिश की वजह से भी ढका हुआ मूर्ति सारे, भीड़ देख रहे हो भाई। तो अब हम लोग जा रहे हैं शोभा बाज़ार, एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से फिर हम लोग एस्प्लेनेड के लिए मेट्रो ले लेंगे, डायरेक्ट एस्प्लेनेड में ही उतर जाएंगे, उसके बाद फिर कुछ देर वहीं रहेंगे एंड उसके बाद हावड़ा चले जाएंगे, उसके बाद फिर हावड़ा से ट्रेन लेके वापस रांची।